एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मेरा एक ब्लॉगिंग टाइप से है, जो सिंपली मैं अपने डेली रूटीन में, ये मेरा मॉर्निंग बहुत ही बिजी रूटीन है कि जो मॉर्निंग में मैं 5 बजे से उठ करके जो डेली मैं करती हूँ उस तरीके का ब्लॉग है ये। मैं अभी फ़िलहाल जो एंड में जो थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, काम करने के बाद, सारा काम से फ्री होने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रही हूँ। तो आगे देखना ब्लॉग में मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ सुबह उठ करके इतनी जल्दी सारा काम। तो आप, मैं जो वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, प्लीज़ आप लोग नीचे भी जा कर के विजिट कर सकते हो चैनल पर, और भी वीडियो जो आप लोग देख सकते हो। हेयर केयर के ऊपर मैं वीडियो शेयर करती हूँ, स्किन केयर के ऊपर भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ, और अपने सूट्स एंड साड़ी डिजाइंस वगैरह, साड़ी वेयरिंग के भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल पर सभी तरीके के आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मेरी आईडी है प्रीति बंटी भारद्वाज के नाम से, वहाँ पर मैं रील्स अपलोड करती रहती हूँ। और जिसका भी कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, वो मुझे डीएम कर सकता है या कमेंट भी करके मुझे बता सकता है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। तो आज का जो है मॉर्निंग से नून तक का रूटीन शायद मैं शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहना, ठीक है? स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, बहुत छोटा सा जितना भी मैं शूट कर पाई हूँ बिजी रूटीन में से, तो आप लोग देखना, ठीक है? तो मॉर्निंग में जो मैं बना रही हूँ वो तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन से सूखी सूखी सब्ज़ी खाते खाते ना परेशान हो जाते हैं, तो आज मन था कि तोरी की सब्ज़ी ही बना लूँ सिंपली। तो मॉर्निंग में थोड़ा ऐसा भी कुछ होना चाहिए क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, तो मैं यहाँ पर हींग जीरे में ही सिंपली इनको बनाऊँगी, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें। नमक मिर्च जो सिंपली चीज़ें डलती हैं सब एज ए सब्ज़ी, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यूज करूँगी आज। कुछ भी ज़्यादा मसाला यूज नहीं करने वाली हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैं आंसी जो मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, तो मैं उसके लिए ना मोस्टली मैं सोचती हूँ कि पराठा पूड़ी रोटी सब्जी ही उसके लिए लंच में मैं रखूँ। तो क्योंकि मैगी आंसी उठो बेटा, उठो, स्कूल का टाइम हो गया, उठो जल्दी जल्दी, उठो उठना, उठो जल्दी से, उठो, वीडियो बन रही है आपकी, देखो जल्दी, देखो 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 देखो, आइस खोलो, आइस ओपन करो। इसे जगाने के बाद मैं आटा मल दूंगी, और आटा मलने के बाद जैसे ही मेरी सारी चाय भी बन चुकी है और आटा मल चुका है, सब्जी भी बन चुकी है और दूध बॉईल होने भी रखूंगी मैं। अब देखो मैं ये अंदर से आके चौक में लेट गई है, बच्चे ना सुबह को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने इसकी ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें निकाल दी हैं क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था, झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ। अब मैं इसके लिए पराठे बना रही हूँ, मैं इसके लिए पराठे ही बनाती हूँ, पराठे पूड़ी या रोटी, लंच में मैं यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। मैं नहा करके आ गई हूँ, ऐसिका को स्कूल भेज दिया है क्योंकि उसका मैंने सूट नहीं कर पाई थी, लेट हो रहा था। तो नहाने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, पूजा कर लूँगी और फिर मैं पीऊँगी गिलास भर के चाय, क्योंकि 8 बज चुके हैं, तो 8 बजे मैं ये चाय ले रही हूँ। अब बच्चे के लिए मैं इग्नोर करती हूँ मैगी रखना, पास्ता रखना, बहुत बाई चांस मैं रखती हूँ खाना ही रखती हूँ अदरवाइज मैं उसके लिए आगे भी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइस, जब मैं यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है 11:30 के अराउंड, तो मैं अपने बेटे के लिए जो खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए ऐसे ही खिलाती हूँ मैं उसे, और खिचड़ी मैंने यहाँ चढ़ा दी है। उसके बाद मैं बेटे का जो लंच बॉक्स है उसको साफ़ करने के लिए ले जा रही हूँ, उसे पूछना था कि लंच फिनिश किया है कि नहीं किया, तो उसने वीडियो शूट कर लिया ये वाला, क्योंकि पापा जी रहते हैं घर पे तो पर्दा होता है हमारे यहाँ पर। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब सारा काम फिनिश करके, खाना पीना बन चुका है, गैस का चूल्हे की सफाई, तो सफाई इसी तरीके से होती है कुछ मेरी, क्योंकि ये स्टील का है ऊपर से, और मतलब इसके जो वो होते हैं ना जहाँ पर चूल्हे टाइप से होते हैं वहाँ से स्टील का है, और बाकी ये है कांच का। तो
इसमें इसी तरीके से मुझे सफाई करनी पड़ती है इसकी। आप लोग किस तरीके से करते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आज का मेरा इसी तरह का ब्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो बताना किस तरह के ब्लॉग चाहते हो वो भी बताना, क्योंकि ना मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ही। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और एंड में जब हमारा टाइम हो रहा था 1 o'clock दोपहर के, तो उस टाइम मैं बाबू को सुलाती हूँ और यहाँ पर चूल्हा तो क्लीन हो चुका है, अब मैं बस बेटे को सुलाने के लिए जाऊँगी क्योंकि वो रो रहा था। तो उसको सुला करके मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, क्योंकि 5:30 बजे के उठने के बाद से तब से रेस्ट किया ही नहीं है। पूरी किचन क्लीन कर दी है मैंने, करने के बाद अब हम दोनों माँ बेटा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको भी सुला रही हूँ, तो अंधेरा करके सोता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।